हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा मई का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड इलेक्शन के बाद 4 जून के बाद से आपको आपका एग्जाम भी होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इन सभी का पेपर 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। और उसके बारे में पहले ही हमको पता चल चुका है, 10 से 11 जून 10, 11, 12, 13 में कभी भी आपका पेपर जो है एक दिन में आपका 1 से 5, 6 से 8, और एक दिन आपका 9 से 10, 11 से 12 हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय कितना है, केवल 1 महीना है, क्योंकि जून में तो वैसे भी आपके मन में टेंशन रहेगा कि पता नहीं इस बार कितना दूर सेंटर गया है। तो जितना जल्दी हो सके, चाहे वो रिवीजन हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको अभी करना है। बट फिर भी बहुत सारे आप सभी के जो क्लासेस होती है हमारी डेली 5 बजे, अभी हमने उसमें बिहार स्पेशल की सीरीज जो है स्टार्ट की है, मतलब बिहार से रिलेटेड, बिहार की जो ज्योग्राफी है, बिहार की जो ऐतिहासिक चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी दो दिन में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आज भी होगी। बट आप सभी के जो मैसेज आए, और मुझे वो बहुत ही जेन्युइन मैसेज लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिना सिलेबस देखे ही बस तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, कहीं पर भी जीएस की मैराथन हो रही है, वो ये देख ही नहीं रहे कि 6 से 8 के लिए फॉर्म भरा है, कि 1 से 5 के लिए, कि 9 से 10 के लिए, 11 से 12, जो भी मिल रहा है बस उसको पढ़ते जा रहे हैं। फिर वही एग्जाम में पेपर आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ से पूछा है, हमने तो 2000, 3000 क्वेश्चंस की मैराथन देखी है। तो इसीलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ ताकि ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका कन्फ्यूज होना, मिस गाइड होना, कि कोई भी कुछ भी आपको दे रहा है, आप बस उसको पढ़ते जा रहे हैं, पीडीएफ इकट्ठा कर रहे हैं, ये गलती मत करना। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने लिखी है, ये आपका जो बीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस जो एग्जाम था आपका बीपीएससी टीआरई 3 का, स्टार्टिंग में ही एडवर्टीजमेंट के साथ आता है कि कितने कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने यहां पर नोट किया है। बेसिकली आज की वीडियो में हम केवल 1 से 5, 6 से 8 के ही बारे में जो है देखेंगे, नहीं तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी। तो जितने लोग भी 1 to 5, 6 to 8 आपने दोनों भरा है, आपने केवल एक भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो जो कि एग्जाम में आपके आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को लाइक करें। और डेली 5 बजे बीपीएससी जीएस की क्लास होती है, एनसीईआरटी तो हम लोग ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं सोशल साइंस की, बट अभी हम एससीईआरटी किताबों से पढ़ रहे हैं जहां से बिहार से डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 1 मंथ की स्ट्रेटेजी है। अगर आपका जो है पूरा किताबें आपने अच्छे से पढ़ ली है, पूरा सिलेबस आपने खुद देखा है, अपने कॉपी में नोट किया है, और आपका सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट कुछ अभी भी लोग होंगे जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले ये 1 मंथ की स्ट्रेटेजी है, दोनों के लिए है, 1 to 5, 6 to 8 के लिए है। एग्जाम आपका जून में है, आपको पता ही है कि आपका 15 से पहले हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में आपका पेपर होना है। और ये 1 to 5 का, 6 to 8 का, पिछली बार 6 to 8 का मॉर्निंग में था और 1 to 5 का इवनिंग में था, बट पेपर लीक हो चुका है। सबसे पहले मैं 1 से 5 के बारे में बात करने वाली हूँ। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, और आपका जो एक पेपर होगा, देखिए जो 1 to 5 है ना, उसमें कल 2 पार्ट में पेपर होगा, एक आपका होगा लैंग्वेज का एंड दूसरा होगा आपका जीएस का। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग से पेपर मिलेगा, एक ही बुकलेट होती है, बट उसमें पहले आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा एंड उसी बुकलेट में आपको जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो लैंग्वेज वाला है उसमें आपको आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, मतलब 30 में से आपको 30 लेकर आने से आपका नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट आपको 30% नंबर लेकर आना है, आई थिंक 9 नंबर लेकर आने हैं बस। अगर आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो आप पास माने जाओगे, आप निकाल लीजिएगा परसेंटेज। बट अगर आपके नंबर मान लीजिए किसी का 4 आ गया, किसी का 5 आ गया, वो भले से जीएस में पास हो जाए, पास होने का मतलब कि आपका अच्छा खासा नंबर आ गया है जीएस में 90-95, और आप लैंग्वेज में फेल हो गए हैं, तो आपका ये तो चेक भी नहीं होगा, आप अपने आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीएस का रोल इंपॉर्टेंट है ही, बट ये क्वालिफाइंग वाला भी पेपर बहुत जरूरी है, बट इसके लिए आपको दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज में, और इसकी प्रैक्टिस आप TRE 1, TRE 2, TRE 3, इनके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो बस, दैट्स इट। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसके लिए भी पढ़ना है, तो इसके लिए भी पढ़ना है भाई, क्योंकि अगर पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं लैंग्वेज की वजह से फेल हो गए थे। ठीक है, दूसरा जो पेपर मैं 1 to 5 की बात कर रही हूँ, 2 पेपर होंगे इसमें, दूसरा पेपर होगा जीएस का, जिसमें आपके 120 नंबर के जीएस पूछे जाएंगे। अब देखो ये जो जीएस है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है कि कुछ लोग जो जीएस 1 to 5 में नहीं पूछा जाएगा वो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, उसे केवल 2 प्रश्न आएंगे, बट फिर भी इकोनॉमिक्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है केवल आपको वही पढ़ना है, जैसे कि 6 to 8 है उनका जीएस 40 नंबर का पूछेगा, 1 से 5 का जीएस 120 नंबर का पूछेगा, तो आप खुद आइडिया लगा लो ना कि जीएस का वेटेज 1 से 5 में ज़्यादा है 6 to 8 के कंपेयर में।
सिक्स टू एट में आपका किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, लैंग्वेज आपका जो विषय है, अब वो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका 80 नंबर का वेटेज है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस देख लो, और खुद बीपीएससी ने भेजा है कि क्या क्या चीज़ें आपके में आने वाला है, केवल उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं जीएस की बात कर लेती हूँ, तो दूसरे पेपर में आपका 120 नंबर का जीएस आएगा। अब ये 120 नंबर का जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको केवल 120 नंबर के जीएस के लिए ही मेहनत करनी है एक से पाँच में, और कोशिश करनी है कि 90 से ऊपर ही रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चंस का लेवल होगा, कितना टफ कॉम्पिटिशन होगा और नंबर कितना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना उसके कट ऑफ हाई जा रहे हैं। तो कोशिश ये करो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका 90 से अबव आए। तो अब ये 120 नंबर के जीएस में आपको क्या पढ़ना है, ये अभी मैं बताने वाली हूँ बस। तो पेपर वन वालों, 1 to 5 वालों को केवल जीएस ही पढ़ना है, बस जीएस ही पढ़ना है, बस उस जीएस में क्या है वो अभी हम बात करेंगे। दूसरा बात कर लेते हैं 6 to 8 का, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, एक पेपर होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का, वही 30 नंबर का लैंग्वेज, ठीक है, पास करना है बस, इसमें 30 में से 30 लेकर आने से नौकरी नहीं मिलने वाली है। दूसरा आपका पेपर 2 है जो कि जीएस का है, जिसमें 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो जीएस है वो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि एससीईआरटी किताबों से, तो ये आपको जीएस जो है बिहार की जो एससीईआरटी की किताबें होती हैं वही पढ़ना है। अब कितने लेवल तक पढ़े कुछ लोग पूछते हैं, तो आप 6 से लेकर 10 तक की पूरी, मैं तो ये बोलूँगी कि चाहे आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो, 6 to 8 के लिए जा रहे हो, 9 से 10 के लिए, आप कम से कम 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद से पीवाईक्यू करेंगे तो आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा, तो अच्छा खासा हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरी किताब पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी, एससीईआरटी साथ में पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो आपकी स्कोर बढ़ेंगे। तो ये 40 नंबर का जीएस है, बट उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है एससीईआरटी, तो 10 तक की किताबें पढ़नी है आपको। दूसरा पेपर है 3rd, इसमें 3 पेपर होते हैं, एक आपका लैंग्वेज का होगा, एक आपका जीएस का होगा, एक आपका सब्जेक्ट का। अब इसमें जो भी आपका विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, और वो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी अपने विषय पे। अब बात कर लेते हैं जीएस आखिर में कितना पढ़ना है, तो अगर मैं 6 to 8 की ही बात करूँ, तो देखो जीएस में आपका मैथ, आपकी रीजनिंग, आपका करंट अफेयर कितना पढ़ना है, तो मई का छोड़ के इसके पहले के 6 मंथ्स के आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, आपका साइंस वो पढ़ना है आपको, सामाजिक विज्ञान हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये तो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, एंड ज्योग्राफी एंड ईवीएस। तो ये आपको 6 to 8 के लिए इतना जीएस पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि 1 to 5 वालों को क्या पढ़ना है, तो देखो 1 से 5 का जो जीएस है, आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, इसके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बता दे रही हूँ यहाँ पे, कम से कम 19 से 20। उसके बाद से आपका ज्योग्राफी भी आपके 24 इतना आया था। साइंस में आपका सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। करेंट अफेयर तो पढ़ना ही है आपको, मैथ्स भी पढ़नी है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट इकोनॉमिक्स मत पढ़ लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कल 2 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा आपको करेंट अफेयर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मतलब सबको जीएस में इतना पढ़ना है, बस ये है कि किसको कितना उसके अंदर टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं, किसको कम पढ़ना है, तो 1 to 5 वालों को ज़्यादा पढ़ना होगा 6 to 8 के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 to 5 में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, आपको मिडाइवल, एंशियंट भी पढ़नी होगी, साथ में आपको ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1 to 5 में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप 1 to 5 की जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बस एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक की अगर आपने सारी किताबें अच्छे से पढ़ी हैं, उसके बाद से आपको लास्ट में करना है प्रीवियस क्वेश्चंस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3 ही तो क्वेश्चन पेपर हैं, तो 1 से 5 वाले भी हायर लेवल तक का पूरा क्वेश्चंस करके जाना, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है कि जो 6 to 8 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 9 से 10 में भी रिपीट होते हैं। तो मान लीजिए आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, तो आप 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी का जीएस कर लेना, ठीक है। और इसके बाद भी आपके पास समय बचे तो जो बीपीएससी जो ऑफिसर्स लेवल की एग्जाम होती है, आप उनके भी साइंस, इंटरनेशनल मूवमेंट, मैथ्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना हायर लेवल की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। तो बस 2 चीज़ें करनी है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी क्लास 10 तक की 6 से लेकर 10 तक की किताबें पढ़ो जो आपके विषय से रिलेटेड है, यानी कि दुनिया भर का कुछ भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो कुछ लोग हैं कि इकोनॉमिक्स में ही अपना पूरा दिमाग लगा दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के वर्ल्ड हिस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं, एंशियंट और मेडाइवल के पीछे भाग रहे हैं, ज्योग्राफी में अभी आपने इंडियन ज्योग्राफी किया नहीं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही पीछे भाग रहे हो, तो पहले आप ये देखिए कि किस कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी है, आपका साइंस है, तो और मैथ्स, रीजनिंग, 1 to 5 वाले पहले इतने को कवर कर लो, और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये तो एक अलग से टॉपिक ही है, यहाँ से तो 1 to 5 में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में 6 to 8 में भी।
तो बस यही दो चीजें करनी है इस वन मंथ में। अगर आपका अच्छे से एनसीईआरटी एससीईआरटी हो चुका है, नहीं हुआ है तो डेली 5 बजे आप क्लासेस कर सकते हो, वहां पर एससीईआरटी की ही किताबों से हम पढ़ाते हैं, और 1 बजे आपकी एनसीईआरटी का सीरीज चलता है जिसमें हम सीटेट का ही पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको भी काम आएगा, ठीक है। और अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली है तो आप प्रीवियसर क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने का समय है, उसके बाद से तो आपका सीधे आपको यही देखना होगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।